तन्वी, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की जो वीडियो है वो है रिव्यू ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग आईलाइनर फ्रॉम कलाबार। एंड एज अभी आप मुझे देख रहे हो, आई एम विद माय फुल मेकअप ऑन विदाउट आईलाइनर, सो जल्दी से लगाया जाए। एक्चुअली मैं अभी बहुत बीमार दिख रही होंगी, बीमार सी दिख रही होंगी, जो कि नहीं हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। Here is that interesting product which I am talking about. That is Kalabar Easy Rolling Eyeliner, and the shade which I have is 004 Rolling Burgundy. Actually, this Kalabar Easy Rolling Eyeliner is a dupe of MAC Rollerville Eyeliner. MAC Rollerville Eyeliner was not a big hit, but वो flop भी नहीं रहा है। उसी को देख के कलाबार ने, रेवलॉन ने ये सेम तरह का यू नो कॉन्सेप्ट लेके ये आईलाइनर्स बनाए हैं। इसका कॉस्ट है ₹750, बट एट प्रेजेंट ये 50% ऑफ में है। मुझे भी ये 50% ऑफ में मिला है, मुझे ₹375 में मिला। सो यू कैन विजिट देयर ऑफिशियल वेबसाइट और यू कैन विजिट देयर स्टोर्स, जो उनके अपने काउंटर्स और स्टोर्स होते हैं। From there you will be getting this at 50% off. Quantity is 1 ml and shelf life is 3 years. Now let's talk about its packaging. Packaging आप देख सकते हो जो कलाबार की classic silver packaging है, color coded भी है, ये burgundy color है, the same color का ये liner भी है। And यहाँ पे बाकी details लिख रखी हैं, जो भी उनकी अपनी details होती हैं। यहाँ पे easy rolling eyeliner, यहाँ पे शेड का नहीं। रेंज में उनके पास 4 कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से ब्लैक हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, चाहे वो स्टोर से लो चाहे वो आप ऑनलाइन देखो। एंड ये रहा उसका अंदर की पैकेजिंग, ये देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर इजी रोल इंक आईलाइनर, एंड यहाँ पे रोलिंग बर्गंडी, नेट वॉल्यूम एंड मेड इन जर्मनी। बहुत ही अच्छी ट्रेंडी सी है, एंड पूरी की पूरी ड्यूप है मैक रोलरव्हील की, पूरा ड्यूप उसकी। ये जो पैकेजिंग, ये सब कुछ पूरा सेम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रिवोल्यूशनरी रोलर व्हील एप्लीकेटर, लेट्स ओपन इट। एंड ये रहा इसका मेन अट्रैक्शन, दैट इज इसका रोलर व्हील एप्लीकेटर। आप देख सकते हो छोटू सा व्हील है, गोल सा एप्लीकेटर है। आई जस्ट शो यू। वाओ, इतनी प्रिसाइज लाइंस आप देख सकते हो, एंड द वे इट इज रोटेटिंग, वो। सो सबसे पहले मैं इसको अभी अप्लाई करती हूँ, सो लेट्स सी। तो इसका जो रोलर व्हील है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रोल हुआ अलोंग विद द लैश लाइन टू मेक दैट प्रिसाइज विंग। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे फील मुझे लगी, दैट वाज कि जब मैंने इसको रोल करके वो लाइन बनाई, उसके बाद लाइन तो बना ली, विंग बन गया, लेकिन जब मैंने उसको फिल करना था, वो फिलिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बिकॉज इट इज नॉट अ ब्रश, इट इज अ प्रॉपर रोलर व्हील। एक हार्ड मटेरियल है ये, जिसके साथ मुझे फिलअप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेड व्हिच आई हैव, दैट इज रोलिंग बर्गंडी। एज आपने आप देख रहे हो कि ये एक प्रॉपर बर्गंडी शेड है, जिसमें हल्का हल्का शिमर भी है, आप देखें, जो बहुत ही प्यारा शेड है। थोड़ा हटके शेड है, ना ब्राउन ना ब्लैक,
ये बरगंडी कुछ थोड़ा सा न्यू शेड है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको पिक किया था। एंड अब इसकी कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी वाटरी है, बिकॉज इसको हमने एक वो रोलर व्हील के साथ लगाना है, तो इन्होंने वाटरी रखी है, लेकिन रनी नहीं है, वाटरी है। एंड ये वाटर रेजिस्टेंट है बट वाटर प्रूफ नहीं है। अगर हम इसके ऊपर, अगर हम अपना फेस वॉश करेंगे, जस्ट अपने ऐसे लाइक वाटर को अपने फेस के ऊपर छिड़केंगे तो वो नहीं उतरेगा, लेकिन अगर हमने इसको वाटर लेके इसको मिटाने की कोशिश की तो ये आराम से चला जाता है, मेकअप रिमूवर की जरूरत नहीं बहुत पड़ती इसके जल्दी लिए। ड्राई हो जाता है, लाइक लगाते ही ये ड्राई हो जाता है एंड बिल्कुल भी लाइक वाटरी या फिर ये डर नहीं लग रहता कि अगर मैंने अभी आंख अपनी खोली तो ये ऊपर लग जाएगा, ये फटाफट ड्राई हो जाता है। एंड जो इसकी स्टेइंग पावर है, स्टेइंग पावर डिपेंड करता है आपकी आईलिड्स पे, आपकी आईज पे। जैसे मेरी आईज हुडेड है तो मेरा ये फ्लेक कर जाता है लाइक 5 to 6 आवर्स के बाद, नहीं तो ये डे लॉन्ग रह सकता है टिल आप अपना फेस वॉश ना करें या फिर अपनी आंखों को So ना here मले। वॉज is... द रिव्यू अबाउट दिस रोलर इंक आई लाइनर फ्रॉम कलाबार। मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, लाइक आई वुड गिव अ 4 out of 5 इफ आई हैव टू रेट इट, बिकॉज बस वो फिलिंग वाला एरिया जो मुझे करना होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उसके चलते प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो इट इज अ गुड प्रोडक्ट। लाइक बहुत ही अच्छी लाइनर की विंग बन जाती है, सो दिस इज अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, रिव्यू हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। एंड अगर कोई न्यू व्यूअर हमें देख रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें। एंड मैंने लिंक दिया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पेज का, प्लीज उसे जाके फॉलो करें। सो टिल देन थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।